हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कैंटीन। तो गाइस, कल शाम को मैं गया था वॉकिंग में, तो उधर मैं गिर के मेरे को बहुत गंदी वाली चोट लगी। और गाइस, इधर हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली थी क्योंकि हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके थे। तो गाइस, मम्मी ने तो पहले नहा लिया था, बट क्या था ना, मम्मी काम वगैरह कर रही थी, खाना वगैरह थोड़ा बहुत बनाना। और इधर दीदी अपनी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसको मतलब जाना है, वो नहीं जा रही हमारे साथ क्योंकि कहती है कि पता नहीं मेरी पढ़ाई में, पता नहीं उसको क्या है कि उसको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इधर मम्मी ने की पूजा, और गाइस मम्मी डेली हम सबका है कि हम लोग बिना पूजा के खाना नहीं खाते हैं, हमारे घर की ये रूलिंग है। तो गाइस, फिर मम्मी ने कहा कि नाश्ते में मैं खाऊंगी चूड़ा, मतलब कि पोहा वो रहता है ना, उसको हम लोग भिगा के सुखाते हैं, उसके बाद उसमें दही और चीनी मिला के खाते हैं। तो गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, आप भी कभी ट्राई करना क्योंकि मैं भी खाता हूँ। और गाइस, मम्मी को ऐसे खाते हुए देख मेरे को भी भूख लग गई, तो मैंने कहा मैं भी खाऊँगा। फिर गाइस, चश्मा वगैरह लगा के फिर हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए। और गाइस, यहाँ पे मैंने बैग भी ले लिया क्योंकि मम्मी ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि बहुत सारा सामान आएगा क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं कैंटीन। और गाइस, इधर मैंने स्कूटी निकाल के साफ कर दी थी, फिर मैं मम्मी और मैं बैठे, फिर हम लोग चल पड़े कैंटीन की ओर। और गाइस, कैंटीन पहले हमको जाना था पोस्ट ऑफिस। तो गाइस, हम लोग पोस्ट ऑफिस पहुँच चुके हैं, तो मम्मी को डर लग रहा था कि स्कूटी नीचे कैसे निकालो, बट मैंने कहा मम्मी निकालो यार, कोई ठोक वोक के चले जाएगा बेफालतू में, है ना। तो गाइस, फिर हमने पोस्ट ऑफिस से काम करा है, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। फिर हमने निकाली अपनी फरारी जानने के लिए कैंटीन। तो गाइस, कैंटीन में हमने इतना सारा सामान भर के लिया कि हम आपको कुछ बता भी नहीं सकते। गाइस, हम लोग दो बैग लेके गए थे, बट दोनों बैग भी कम पड़ गए। फिर लास्ट में कुछ हमने सामान अपनी पॉकेट में डाले और कुछ हमने सामान डिग्गी में डाल दिया स्कूटी के। और गाइस, इतना भारी हो रहा था ना बैग उस टाइम कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर घर आते समय हमने लिए गन्ने के जूस पीने के लिए, और फिर मैंने और मम्मी ने गन्ने का जूस पिया। और फिर हम लोग एक बैग लेके गए गुनू जी के लिए। इधर मम्मी थोड़ा वीडियो बना दी, और गाइस देखिए मेरा बैग कितना भरा हुआ है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है गाइस। फिर गाइस, हम लोग चले गए। तो गाइस, फिर हम लोग चले गए घर। इधर हमने जल्दी जाके अंकल पैक भी कर दो क्योंकि गुनू जी के लिए लेके जाना था। तो घर आके देखिए गाइस, हमारा कितना सारा सामान था, पूरा बिल 4000 का आया था। फिर गाइस, शाम को इधर होने लग गई बहुत झमाझम वाली बारिश। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब हमारे चैनल में मेरे ख्याल से वो व्लॉगिंग है वो एक दो दिन में आएगी, क्योंकि ना गाइस अभी थोड़ा एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और स्कूल वापस रीओपन हो रहे हैं, मतलब स्कूल रीओपन के बाद तुरंत एग्ज़ाम है, ऐसा हमारे टीचर लोगों ने हमको बता दिया है। तो गाइस, थोड़ा हमको पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट करना है। बट गाइस, तब हम लोग छोटे थे तब सबसे अच्छा था क्योंकि गाइस देखिए इन बच्चों की तरफ बारिश में मस्त नहाते थे। बट गाइस, अब वो दिन कहाँ रहे। बाय गाइस, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।